बिलासपुर में ग्राम पंचायत जेजवी की प्रधान रीना देवी ने उपायुक्त विवेक कुमार भाटिया को ज्ञापन सौंपा और अपने पद से सशस्त्र त्याग पत्र भी सौंप दिया है। उन्होंने कहा है कि विभाग द्वारा उनके कार्यकाल के पहले के मामले में उन्हें दोषी ठहराया जा रहा है, जो कि न्याय उचित नहीं है। उन्होंने उपायुक्त को सौंपे ज्ञापन में मुख्यमंत्री, पंचायती राज मंत्री, जिला पंचायत अधिकारी व महिला आयोग तथा अनुसूचित जाति जनजाति आयोग से उनके कार्यकाल से पहले हुए अदायगी के मामलों की सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने बाद में पत्रकार को संबोधित करते हुए कहा कि वे 23 जनवरी 2016 में ग्राम पंचायत में बतौर प्रधान कार्यरत हुई थी। जिस दिन से उन्होंने ग्राम पंचायत कार्यालय में प्रधान का कार्यभार संभाला, पंचायत सचिव ने उन्हें पिछली पंचायत द्वारा किए गए कार्यों की अदायगी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन पंचायत सचिव ने कैश बुक दिखाकर और चेक पर कैश बुक पर दिखाई गई केवल रकम के अनुसार बिना नाम लिखे मेरे हस्ताक्षर करवाए व गलत अदायगी की जानकारी का पता उन्हें तब चला जब उनके विरुद्ध जांच शुरू की गई। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि विभागीय जांच में उन्हें पता चला है कि उनके कार्यभार ग्रहण करने से पहले की गलतियां उनके ऊपर थोपी गई हैं, जबकि उन्होंने चेक पर हस्ताक्षर करने से पहले बिल, कैश बुक व कार्यस्थल की जांच की है। विभागीय जांच शुरू होने के बाद उन्होंने कैश बुक, चेक पर हस्ताक्षर करना बंद कर दी है, लेकिन फिर भी पंचायत सचिव द्वारा किए जा रहे कार्यों की अदायगी अपने स्तर पर की जा रही है तथा निर्देशन हेतु पत्राचार भी किया गया। इसके बावजूद भी सचिव द्वारा अनाधिकृत तरीके से अदायगी की जा रही है। पंचायत प्रधान ने कहा कि सुधार न होने की वजह से उपायुक्त को मार्गदर्शन के लिए 5 फरवरी 2018 को पत्र लिखा गया, लेकिन मार्गदर्शन के लिए बार बार जिलाधीश कार्यालय से पत्राचार किया गया, फिर भी उन्हें सही हल नहीं बताया गया, बल्कि बार बार इस विषय से उनके ऊपर मानसिक प्रताड़ना की गई। उन्होंने कहा कि पूर्व पंचायत प्रधान जो इस समय वर्तमान उप प्रधान के पद पर आसीन है, ने अपने कार्यकाल में सचिव के साथ मिलकर अदायगी की है, जिनका जिम्मेदार उन्हें ठहराया जा रहा है, जिसके कारण उन्होंने अपने पद से सशर्त त्याग पत्र देने को विवश हैं। इसके अलावा उन्होंने पंचायत सचिव को पंचायत में वित्तीय लेन देन के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उसे दोषी करार दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि तथाकथित समाजसेवी सोहन सिंह राणा द्वारा कथित शिकायत बारे विभागीय पत्राचार किया गया तथा विभागीय जांच में मौके पर उसकी शिकायत पर दर्शाए गए सभी कार्य सही पाए गए, फिर भी 2 वर्षों पूर्व उसके द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ना की जा रही है। मैं रीना देवी पंडीर, प्रधान ग्राम पंचायत जेजमी कंसिस्टेंसी झंडूता से संबंध रखती हूँ और अभी अभी ज्ञापन के माध्यम से मैंने अपना कंडीशनल रिजाइन दिया है और कंडीशनल रिजाइन देने की जो वजह रही है वो वजह है डीसी महोदय का 16 जनवरी 2019 को मुझे कारण बताओ नोटिस जो दिया गया है और उसमें दिया गया है कि चौकीदार के माध्यम से जो है 3,26,000 रुपये जो है वो चौकीदार के माध्यम से निकाले गए, किंतु मैं आपको इस नोटिस में अंकित क्रमांक नंबर 1 पक्का रास्ता बेहतरीन से शमशान घाट जो तारीख 4/8/2015 को निकाली गई, उसी तरीके से 2015 में और भी पेमेंटें निकाली गई और जो इसी में अंकित 2014 में भी पेमेंटें निकाली गई और उस दौरान जो है 23 जनवरी 2016 को मैंने प्रधान पद की शपथ ली थी, किंतु 2014 और 15 में मैं पंचायत के किसी भी पद पे आसीन नहीं थी और वो जो दोष है वो भी मेरे ऊपर दिया जा रहा था, बार बार मुझे कारण बताओ नोटिस दिया जा रहा था और जिसका जवाब मैं कई बार विभाग को दे चुकी हूँ और हमारी पंचायत में हो रहे और जो अनऑथराइज कार्य हैं उनके बारे में भी मैंने बार बार विभाग को और डीसी महोदय जी को भी अवगत करवाया था। उसमें जब मैं प्रधान बनी 23 जनवरी 2016 को तो 2016-17 और जनवरी 2018 तक जो मनरेगा के बिल वोचर होते हैं उन पे मेरे हस्ताक्षर जो जरूरी होते हैं वो
हमारे सचिव ने ना करवाकर डायरेक्ट बीडीओ ऑफिस से विकास खंड झंडूता से जो है वो दावेदारों के खातों में करोड़ों के हिसाब से जो है वो पेमेंटें डलवाई। और जब मैंने इसके विषय में बार बार जो है पत्राचार करके जिला पंचायती राज विभाग और डीसी महोदय को भी बताया था, परंतु मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा था विभाग और हमारे कर्मचारी की तरफ से कि इन बिल वोचरों पे जो है वो साइन कर दो। और 2014 से जो कार्य जो पैसे मैंने नहीं निकाले हैं उन पे भी मुझे ही आरोपित किया जा रहा था, क्योंकि जो पहले जो हमारे सचिव हैं लगभग 8 सालों से मेरी पंचायत में हैं और जो पहले प्रधान थे वो वर्तमान में उप प्रधान है, तो उनके टाइम से ही इस तरह के पैसे निकाले जा रहे थे। और जी प्रधान जी, आपके ऊपर ये जो 3,26,000 रुपए का जो घोटाले का आरोप लगाया जा रहा है कि फ्रॉडी तरीके से पैसे निकाले हैं जी, तो आपने जिस तरीके से विभाग के लिए कार्रवाई की मांग की है तो इसके ऊपर आप क्या चाहते हैं? मैंने इस ज्ञापन के माध्यम से डीसी साहब से सीबीआई की जांच की मांग की है, क्योंकि मैं विभाग की जांच की से संतुष्ट नहीं हूं और मैं चाहती हूं कि जो 2014 से कार्य कृत्य होता आ रहा था उसका दोषारोपण भी मेरे ऊपर ही किया जा रहा है। और सीबीआई जांच के माध्यम से दूध का दूध हो पानी का पानी हो, अगर मैं दोषी करार होती हूं तो मैं सजा की जो मुझे कानून सजा देगा उसका जो मैं हर्ष स्वीकार करूंगी, किंतु जो मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए और जो मेरे 3 सालों से जो मैं दबाव महसूस कर रही थी, मेरे ऊपर हर तरफ से दबाव बनाया जा रहा था कि आप सिग्नेचर करो, आप ये करो और वो करो, जब मैंने हर बार बार रोकना चाहा तो मुझे ही प्रेशराइज किया गया, क्योंकि मैं एक अनुसूचित जाति से भी संबंध रखती हूँ, अनुसूचित जाति की महिला भी हूँ और मुझे लगता है उस वजह से भी मुझे आज तक प्रताड़ना सहन करनी पड़ी। और मैं और सीबीआई जांच हो और जो कृत्य हैं जो करने वाले हैं वो उनके ऊपर जो है वो जो चीजें मेरे ऊपर थोपी जा रही हैं उसका जो है निष्पक्ष तरीके से जांच हो, यही मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है।